हेलो फ्रेंड्स, हैरिस किचन में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मोटी चूर के लड्डू हम बनाने वाले हैं चने की दाल के वड़े में से। वो कैसे बनते हैं तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी बनाने की। हमने ये ओवरनाइट भिगोई हुई चने की दाल ले ली है। आप देख ही सकते हैं कि चने की दाल हमारी पूरी भिगोई हुई है। इसे हमें एक मिक्सचर ग्राइंड में ग्राइंड कर लेना है, पर ध्यान रखना है कि हमें बहुत फाइन पेस्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डरडरा होने तक ही पीसना है। चने की दाल के साथ हम इधर 3 से 4 इलायची के दाने भी लिए हुए हैं, वो भी हम चने की दाल में ही ऐड कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि हमने जो पेस्ट जो ली है वो बहुत ही फाइन नहीं है, हमें डर डर ही रखनी है। इधर हमने वड़े को तलने के लिए घी का यूज़ किया हुआ है। आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं, पर हमारा घी बहुत टपा हुआ नहीं चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस टाइप का घी चाहिए। देखिए, मैं एक वड़ा डालकर दिखाती हूँ, हमें इसी प्रकार का तेल टपा हुआ चाहिए। अब मैं सारे वड़े घी में फ्राई कर लेती हूँ। हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है, हमें बहुत हाई नहीं रखना है, क्योंकि हाई रखने से हमारे जो वड़े हैं जो अंदर से पकेंगे नहीं, कच्चे लगेंगे, इसीलिए हमें लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। ये वड़े 4 से 5 मिनट में फ्राई हो जाते हैं और इसे बहुत गोल्डन ब्राउन तक हमें फ्राई नहीं करना है, इसे थोड़ा येलो कलर आने तक ही हमें फ्राई करना है। इसलिए प्लीज़ ये बात का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही आपकी ये जो आइटम जो आप बना रहे हैं वो आपकी बिगड़ेगी नहीं और अच्छी बनेगी। आप देख ही सकते हैं कि मैंने बहुत फ्राई नहीं किया हुआ है वड़े को, और फ्लेम भी मेरा लो ही है, लो फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है। मैं अब निकाल रही हूँ। अब आप देख सकते हैं इसका कलर। मैंने वड़े को एक प्लेट में निकाल दिया है। अब दूसरे वड़े भी मैंने इसी प्रकार फ्राई कर लिए हैं, भी मैंने बाहर निकाल लिया है। आप देख ही सकते हैं मेरे सारे वड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ठंडा कर देंगे। मैंने इधर थोड़े वाटरमेलन के सीड लिए हुए हैं, आप इसकी जगह पे आप कोई ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, पर वाटरमेलन के सीड को मैं इस तरह से सेक रही हूँ, 2 से 3 मिनट तक ही सेकना है। वाटरमेलन के सीड इस तरह सेकने से उसके अंदर का जो कच्चापन है वो निकल जाता है। अब हम चाशनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इधर हमने 1/2 कप चीनी ली हुई है, और 1/2 कप मैंने इधर पानी लिया हुआ है। इधर हमें जितनी भी चने की दाल ली हुई है उससे थोड़ी ज़्यादा हमने चीनी को ऐड करना है, मतलब कि आपने 1 कप चने की दाल ली है तो उसमें आपको 1/4 कप चीनी डालनी है, ये इसका मेज़रमेंट है, तो प्लीज़ इसको आपको याद रखना है। चीनी और पानी को हमें बराबर से मिक्स कर लेना है। हमें 1 तार की चाशनी तैयार करनी है। हमारी चीनी मेल्ट हो गई है, अब इसी टाइम पर मैं इसमें केसर के 3 से 4 धागे में डाल रही हूँ। केसर डालने से फ्लेवर अच्छा रहता है, इसलिए मैं इस इधर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप ना भी डाल सकते हैं। मैंने इधर 2 से 3 ड्रॉप्स ऑरेंज कलर डाला हुआ है,
जो बाहर मोतीचूर के लड्डू आते हैं वो हमारे ऑरेंज कलर के होते हैं, इसलिए मैंने इधर ऐड किया हुआ है। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हो तो आप ना भी डाल सकते हैं। हमारी चाशनी को हमें लगभग 5 से 7 मिनट तक इसी तरीके से पकाना है ताकि हमारी चाशनी में एक बनने लग जाए। अब हम वड़े की तैयारी कर लेते हैं। इधर हमारे वड़े भी ठंडे हो गए हैं, इसको हम मिक्सर ग्राइंड में क्रश कर देते हैं। हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है, हमें सिर्फ डर डरा होने तक ही पीसना है। आप देख सकते हैं हमने बहुत बारीक नहीं पीसा हुआ है, थोड़ा डर डरा ही रहने दिया है, क्योंकि मोटी चूर के जो मोटी आते हैं वैसे ही हमें रखना है। अब हम हमारी चाशनी को चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए एक ड्रॉप्स मैंने साइड पे रखा हुआ था पहले से ही। वो ठंडा होने के बाद मैं अपनी उंगली पर इस प्रकार, देखिए आप देख ही सकते हैं मेरी उंगली में एक तार की चाशनी तार बन रहा है। ये बन जाए तो आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है। चाशनी को थोड़ी ठंडी पड़ने के बाद हमें जो मिक्सर ग्राइंडर में क्रश किया हुआ था उसे ऐड कर देना है, और ये मिक्सर को हमें लगभग 1 घंटे तक इसी प्रकार चाशनी में रखना है। मिक्सर को देखकर ही आपको लग रहा होगा कि हमारी चाशनी ज़्यादा है, बट आप 1 घंटे बाद देखेंगे तो आपकी जो चाशनी है वो सब इसमें सूख चुकी होगी, मतलब कि इसके अंदर अब्जॉर्व हो गया होगा। इधर मैंने वाटरमेलन के सीड को भी ऐड कर लिया और बराबर से मिक्स कर लिया है। हमें सभी सामग्री को इसी तरीके से बराबर से मिक्स कर देना है। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए साइड पे छोड़ देती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 1 घंटे के बाद आप देख ही सकते हैं कि आपको जो चाशनी ज़्यादा लग रही थी वो हमारी अब बिल्कुल भी ड्राई हो गई है। मेरे ये वड़े भी हैं, मैंने जो मोतीचूर के लड्डू बनाए हुए हैं ये बाहर जैसे ही लग रहे हैं ना, इसके ऊपर मैंने वरक भी चढ़ा ली है। अभी इसी प्रकार मैंने सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख ही सकते हैं कि घर में कितने कम सामान में और कितने कम टाइम में हमने मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं। यकीन मानिए ये इतने टेस्टी लगते हैं, इसे बनाने के बाद आप बाहर से लड्डू लाना भूल जाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ आप शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। गुड बाय।